भी देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, एफएम रेडियो पर एक टिप्पणी लिखिए। आरंभ के लगभग 100 वर्षों तक रेडियो तरंगों पर सरकार का नियंत्रण रहा। सन 1995 में उच्चतम न्यायालय में ने एक फैसले में कहा कि ध्वनि तरंगों पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। तब से निजी रेडियो चैनलों के द्वारा में इससे पहले सन 1993 में एफएम का प्रोफार्म है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत हो चुकी थी। सन 1997 तक भारतीय आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन भी केंद्र सरकार के अधीन था। इसी वर्ष प्रसार भारती नाम से स्वायत्त निकाय बना। आज रेडियो और एफएम रेडियो इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 5, रेडियो और एफएम रेडियो की लोकप्रियता का कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रेडियो सबसे सस्ता साधन है। इसके लिए ना तो दूरदर्शन सेट जैसे उपकरण की आवश्यकता है, ना ही आंखें टिकाकर देखने की। होमवर्क में राइट क्वेश्चन 4 और 5 और लर्न प्रश्न नंबर 4, 5। दैट्स ऑल।